नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं राजमोहन तिवारी। 21 अक्टूबर को बिहार में एक लोकसभा तथा 5 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। आज हम उनमें से समस्तीपुर लोकसभा सीट की बात करेंगे, जो कि स्वर्गीय सांसद रामचंद्र पासवान के निधन के बाद खाली हुई है। हमने सोचा क्यों ना आज आपके साथ इस सीट की राजनीतिक इतिहास, हाल में हुए चुनाव की झलक देते हुए वर्तमान चुनाव में बनते बिगड़ते समीकरणों की चर्चा की जाए। आपको बताते चले कि आखिरी बार यहाँ उपचुनाव 1978 में हुआ था, जिसमें जनता पार्टी के एके मेहता ने कांग्रेस के टी सिन्हा को हराया था। आपको बता दें कि ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इस सीट पर सर्वाधिक वोटर कुशवाहा जाति के हैं। इनकी संख्या 4 लाख है। इसके अलावा पासवान जाति के 2.5 लाख और फिर यादव जाति के 2.25 लाख वोटर हैं। यहाँ स्वर्ण और मुस्लिम वोटरों की भी संख्या अच्छी खासी है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उसमें इस सीट से एनडीए के लोजपा के उम्मीदवार रामचंद्र पासवान को 5,62,443 वोट मिले थे और इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार को तकरीबन 2.5 लाख वोटों से हराया था। यह 2014 से इस सीट पर एनडीए के सांसद थे। एनडीए में ये सीट लोजपा के खाते में है और लोजपा ने रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज को यहाँ से मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि बिना नरेंद्र मोदी के प्रचार के क्या लोजपा इस सीट को बचा पाएगी। महागठबंधन से इस सीट से कांग्रेस ने डॉक्टर अशोक कुमार को ही फिर से उम्मीदवार बनाया है। 2014-2019 में भी वे कांग्रेस के उम्मीदवार थे और दूसरे नंबर पे रहे थे। गौरतलब है कि एनडीए खासकर पिछले कुछ सालों में उपचुनावों में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती जितना कि वो आम चुनावों में करती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि उपचुनाव में मोदी फैक्टर का प्रभाव जनता पर कम होता है और लोग क्षेत्रीय समस्याओं एवं जातीय समीकरण के आधार पर वोटिंग करते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए इलेक्शन इतना आसान तो नहीं होगा और खासकर आर्टिकल 370 के हटने के बाद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनडीए के लोजपा उम्मीदवार इस मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश करते दिख रहे हैं। इस चुनाव में एक और चीज़ जो जीत और हार पर फर्क डाल सकती है वह है वोटिंग, क्योंकि देखा गया है कि उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम होता है। अब देखना ये होगा कि किसके समर्थक घरों में रहते हैं और कौन अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने की वजह से यहाँ अनुसूचित जातियों के वोट बढ़ जाते हैं तथा इस सीट पर पिछड़े वर्ग की संख्या ज़्यादा होने के कारण वो हमेशा से यहाँ निर्णायक भूमिका निभाता रहा है और इसलिए इस बार भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें असली मुकाबला लोजपा और एनडीए के प्रिंस राज एवं महागठबंधन के कांग्रेस से डॉक्टर अशोक कुमार के बीच है। लोजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चिराग पासवान ने विधानसभा स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रखंड स्तरों पर भी चुनावी प्रभारियों की नियुक्ति की है और सीट को फिर से जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस भी जीत के लिए पूरा दमखम लगा रही है। महागठबंधन के कई नेता क्षेत्र में डॉक्टर अशोक कुमार राम के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। इस चुनाव को लेकर लोगों में कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। लोग किसे वोट देना चाहते हैं इस पर वे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मिल रहे खबरों के अनुसार लोजपा प्रत्याशी प्रिंस राज इस सीट पर बढ़त बना सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।